ममता जी आपने अपने बंगाल को कहां पहुंचा दिया? कोई चुनाव होगी तो लाश गिरना जरूरी है क्या? और कितने लोग मारे जाएंगे, क्यों मारे जाएंगे? लेकिन इस हिंसा के तांडव को कब रोकेंगे आप? बंगाल में आज जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उसमें हिंसा का तांडव हो रहा है। अभी तक एक दर्जन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। ममता जी आपने अपने बंगाल को कहां पहुंचा दिया? एक समय बंगाल लोकतंत्र की जननी थी, राष्ट्रीय जागरण का केंद्र था। सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बंगाल। कोई चुनाव होगी तो लाश गिरना जरूरी है क्या? और ममता जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि पहले बिहार सहित बाकी प्रदेशों में भी बहुत लाशें गिरती थी, अब तो चुनाव आयोग की सख्ती के कारण वो काफी कम हो गया। आपके यहाँ भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की सख्ती के कारण हिंसा थोड़ी कम होती है, लेकिन जब आपकी सरकार ग्राम पंचायत का चुनाव करवा रही है तो क्या हो रहा है और कितने लोग मारे जाएंगे, क्यों मारे जाएंगे? सेंट्रल फोर्सेस को भी कायदे से काम नहीं करने दिया जा रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जमीन पर। ममता जी की पुलिस एक प्रकार से पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में काम करती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ ईमानदार प्रभावी पुलिस वाले हैं उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता या काम करने नहीं दिया जाता। ममता जी आपकी पार्टी के लोग भी मारे जा रहे हैं ना, क्योंकि आपके भी पार्टी के गुटों में काफी संघर्ष है ऐसा हमें बताया गया है, और ये जमीनी खबर भी है। लेकिन इस हिंसा के तांडव को कब रोकेंगे आप? एक दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें कहनी है कि जब पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है तो ममता जी आप बैलेट बॉक्स ले आई, आपके अंडर में जो चुनाव करवा रहे हैं, आप लोग के दबाव में बैलेट बॉक्स फिर आ गया। जो बैलेट बॉक्स अतीत हो गया था, बटन दबाइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आपकी वोटिंग रिकॉर्ड होगी, अब आप बैलेट बॉक्स ले आई। और फिर वही पुरानी परंपरा कि बैलेट बॉक्स को छीना, उठा के कहीं तालाब में फेंक दिया, किसी बैलेट बॉक्स में इंक डाल दिया ताकि जिसको जितने वोट मिले हैं सब समाप्त हो जाए। ममता जी आपकी सरकार के लोकतांत्रिक कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है। किस बात पर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाती हैं? विपक्षी दलों को एक करने की बात करती हैं कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है मोदी जी की सरकार में? लोकतंत्र का हनन ममता जी आपके सरकार में बंगाल में हो रहा है और सारी विपक्षी पार्टियां चुप हैं, कांग्रेस के लोग भी मारे गए हैं, वामपंथियों पर भी हमला हुआ है। लेकिन कमाल है, क्या वामपंथी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता हों या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हों, चुप हैं।